मुर्दाबाद, तनखानी डाली मुर्दाबाद, दुलाने का वीडियो मुर्दाबाद, दुलाने का वीडियो मुर्दाबाद, जींद का डीसी मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, सीआरपीएफ जिंदाबाद, प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, सचिवालय मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जींद लघु सचिवालय पर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का धरना आज दूसरे दिन भी लगा। जिला भर के सफाई कर्मचारी रात भर पड़ाव में डटे रहे। आज ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने अपनी राज्य स्तरीय मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम व स्थानीय मांगों का ज्ञापन डीडीपीओ संदीप भारद्वाज के नाम स्वयं डीडीपीओ को सौंपा। सफाई कर्मचारियों ने कल किसानों पर हरियाणा सरकार के इशारे पर करवाई गई गोलीबारी की कड़े शब्दों में निंदा की और इस घटना के खिलाफ हरियाणा सरकार का पुतला दहन किया और गोलीबारी में मारे गए नौजवान किसान को श्रद्धांजलि दी। आज के पड़ाव की अध्यक्षता ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा के जिला प्रधान ईश्वर सिंह व संचालन जिला सचिव पवन कुमार ने किया। पड़ाव में शामिल कर्मचारियों को सीटू के जिला उपाध्यक्ष कॉमरेड रमेश चंद्र, यूनियन के जींद ब्लॉक प्रधान गुलाब वैद, जुलाना ब्लॉक प्रधान कृष्ण कुमार, अलेवा ब्लॉक प्रधान सुखविंदर आदि ने संबोधित किया। वक्ताओं ने बताया कि 29 अक्टूबर को पंचायत अधिकारियों के साथ हुए समझौते को लागू करवाने की मांग को ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा संबंधित सीटू राज्य कमेटी के आह्वान पर कल और आज जींद के लघु सचिवालय के सामने जिला भर के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का दो दिवसीय पड़ाव डाला गया। वक्ताओं ने बताया कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने 51 दिन की हड़ताल में हरियाणा सरकार के साथ 5 मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन उनका अभी तक भी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। दूसरी तरफ भाजपा की सरकार ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को ऑनलाइन हाजिरी लगवाने के नाम पर गुलाम बनाना चाहती है, इसलिए यूनियन ने आज से 24 घंटे का पड़ाव डालने का फैसला लिया और लघु सचिवालय पर पड़ाव डाला। कॉमरेड रमेश चंद्र ने कहा कि भाजपा का दलितों के प्रति जो प्रेम दिखाया जा रहा है वो नकली है, वास्तव में भाजपा को दलितों से कोई प्रेम नहीं है, ये बात अब खुलकर सबके सामने आ गई है। ग्रामीण सफाई कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन करने पर मजबूर हैं। ग्रामीण सफाई कर्मचारी मानदेय पर काम करते हुए पिछले 17 साल के शोषण और बेगार की मार झेल रहे हैं। ये कर्मचारी अपने हकों और मांगों को लेकर संघर्ष रहे हैं तो सरकार आंदोलनकारियों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करते हुए आंदोलनकारियों से वार्ता ना करके कर्मचारियों की आवाज़ को ही दबाना चाहती है। सफाई का काम करने वाले 100% दलित समुदाय से आने वाला दबका है। इन दलित सफाई कर्मियों की भावनाओं के साथ खेलते हुए 2014 और 2019 में भाजपा ने वोट तो ले लिया, लेकिन पक्का करने का वायदा आज तक पूरा नहीं किया और न ही समान वेतन देने की गारंटी को लागू किया। यूनियन नेताओं ने कहा कि कोरोना काल में जब कोई भी घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं था, तब भी सफाई कर्मियों ने अपनी जीवन की परवाह किए बिना समाज की सेवा की और कोरोना से मौत होने वालों का अंतिम संस्कार तक किया। उस समय सरकार ने कोरोना योद्धा बताकर फूल बरसाए और आज इनके साथ वार्ता करने में भी अपनी तौहीन समझती है। इससे भाजपा के दलित प्रेम का पता चल जाता है कि वो कितना प्रेम दलितों से करती है। अगर सरकार दलितों से इतना ही प्रेम करती है तो दलितों में आखिरी पायदान पर खड़े सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का काम क्यों नहीं करती। वक्ताओं ने बताया कि केंद्रीय ट्रेड यूनियन कल देश भर में किसानों पर की गई गोठीभारी के विरोध में काला दिवस मनाएगी। इस कार्यक्रम में जिला भर के ग्रामीण सफाई कर्मचारी अपने अपने ब्लॉकों में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। आज के पड़ाव में उपरोक्त के अलावा यूनियन के जिला कोषाध्यक्ष मुकेश देवड़, सुल्तान, फूल कुमार, मनफूल, संजय, हरिमोहन, विनोद, बबीता, संतोष, गुर्दी, विजय, कौशल्या, रोशन, केलो, मुकेश, राजो, रोहताश, प्रकाशो, सुदेश, किरण, प्रवीण, बीरेंद्र, शिला, सुभाष, अजय, रोहताश, नसीब, राजेंद्र, सोमबीर, सरोज, जगदीश, अनूप, गुड्डी, राजवंती,
यशवंती, तारा, गीता, प्रकाशो, कौशल्या, रोशनी, कुलदीप इत्यादि शामिल हुए। मुख्य मांगें: 29 अक्टूबर को किए गए समझौते की लागू करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया जाए। विधानसभा में पॉलिसी बनाकर सफाई कर्मियों को पक्का किया जाए। सभी ग्रामीण सफाई कर्मियों को BDPO के पे रोल पर लिया जाए। हरियाणा रोजगार कौशल निगम को भंग किया जाए और सफाई कर्मियों को पक्का किया जाए। सभी सफाई कर्मियों के लिए 26,000 रुपये मासिक न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। 2,000 की बजाय 400 की आबादी पर एक कर्मचारी की स्थायी नियुक्ति करते हुए सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए। सफाई कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर 10,00,000 रुपये एकमुश्त सहायता प्रदान की जाए। डोर टू डोर के कर्मचारियों को ग्रामीण सफाई कर्मियों के बराबर वेतन व वर्दी भत्ता दिया जाए और PFESI में कवी किया जाए। 1,000 रुपये वर्दी धुलाई भत्ता और 2,000 रुपये औजारों का भत्ता 2023 का भुगतान किया जाए। एक्सग्रेजिया नीति के तहत परिवार के सदस्य को काम पर रखा जाए तथा मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार 4 अप्रैल 2021 के बाद जिन कर्मियों की मृत्यु हो चुकी उन सभी कर्मियों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जाए। दिवाली पर बोनस और कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए शिक्षा भत्ता लागू किया जाए। 100-100 गज के प्लाट और मकान बनाने के लिए अनुदान दिया जाए। ऑनलाइन हाजिरी की प्रक्रिया की बजाय बेगार से बचाने के लिए काम की देखरेख के लिए सफाई कर्मियों में से पढ़े लिखे लोगों को सुपरवाइज लगाया जाए।